मित्रों नमस्कार। मित्रों आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम का नाम आप समझ ही गए होंगे, पढ़ ही लिया होगा, देख लिया होगा। उसमें हमने दिया है कि यदि आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं, हमारे टीम में जुड़ते हैं, तो आपकी कोई भी LIC की पॉलिसी सरेंडर नहीं होगी, और अगर सरेंडर भी होती है तब भी उसके ऊपर आपको कमीशन प्राप्त होगी। कैसे? आज के इस कार्यक्रम में हम इसी के ऊपर आपसे संक्षिप्त में चर्चा रखेंगे और लास्ट में दो तीन मित्रों का क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो मित्रों मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है, मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और आज तक पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में हमारे मित्र और पार्टनर हैं जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग पिन कोड पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ में बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों आप सब तो निश्चित तौर पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जुड़े हुए हैं और कुछ और मित्र भी हर दिन हमारे टीम में जुड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रयास हम अक्सर कर रहे हैं, हर हफ्ते कर रहे हैं कि किसी न किसी नए टॉपिक पे हम आपको लेकर के आएं और नए टॉपिक जो मार्केट में नया इनोवेशन हो रहा है इसके बारे में हम आपको जानकारी दें। तो मित्रों उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम है। दोस्तों हर मंगलवार शाम को 6 बजे हम आपके लिए उपस्थित होते हैं एक नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक को लेकर के। दोस्तों वैसे आज का तो हॉट टॉपिक आज का बजट होना चाहिए था, लेकिन बजट वाला टॉपिक हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में कवर करने का, क्योंकि बजट एक बहुत महत्वपूर्ण बजट आई है आज की, जो निश्चित तौर पर 5 साल बेमिसाल साबित होने वाला है मोदी गवर्नमेंट का। और ये बजट निश्चित तौर पर छोटे छोटे गांव, कस्बे और मोहल्लों को बड़े 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 हाईवे और एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से जोड़ने वाली है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक जाल बिछने वाली है। इसके ऊपर हम लोग अगले वीक में बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि कैसे अगर आपके पास बीमा धारक कोई आते हैं अपने पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आपके मन में क्या होती है, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या सॉल्यूशन देते हैं। दोस्तों हम अपने सैकड़ों मित्रों से इस सब्जेक्ट के ऊपर सर्वे किया है और वहाँ से जो रिसर्च निकल के आया है, जो रिपोर्ट निकल कर के आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 90% 100 में से 90 इंश्योरेंस एडवाइजर, खास तौर पे LIC इंश्योरेंस एडवाइजर, हर संभव कोशिश करते हैं कि उनके ग्राहक चाहे पॉलिसी कितने साल भी चल गई हो सरेंडर ना करें। और इसके लिए वो एक सबसे बड़ा रास्ता बताते हैं कि आपको अगर ज़रूरत ही है, अगर आपको आवश्यकता ही है, तो आप इस पॉलिसी के ऊपर लोन ले लीजिए और लोन लेकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करिए, और उस आवश्यकता को जब पूरा हो जाए तब आप LIC के लोन को 10.5% अर्थवार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आप जमा करके अपने बॉन्ड को फ्री कर सकते हैं, आप लोन से मुक्ति पा सकते हैं। 90% 100 में से 90 एडवाइजर का ये कहना था, ये सॉल्यूशन था। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, क्या हमारे कस्टमर के पास में या हमारे पास में या आपके पास में कोई ऐसा अल्टरनेटिव भी है कि हम अपने कस्टमर को 100% सरेंडर वैल्यू दे दें, उसके बावजूद भी आपकी पॉलिसी चलती रहे, आपकी पॉलिसी इन्फोर्स रहे, आपकी पॉलिसी के ऊपर आपको कमीशन मिलता रहे, आपकी पॉलिसी की क्लब मेंबरशिप बरकरार रहे? तो 100% मित्रों ने बोला कि ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम करते किए हैं अपने दोस्तों से, उसका भी रिजल्ट आ गया है कि क्या आपको अगर हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कि आप हमारे पार्टनर बने, आप हमारे सहयोगी बने, आप हमारे मित्र बने और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ करके आप इस प्रोडक्ट की सर्विसेज पूरे भारतवर्ष में, चाहे आपके क्लाइंट हो या क्लाइंट नहीं हो, आपके बीमा धारक हो या बीमा धारक नहीं हो, अगर आप कोई भी
सर्विसेज अपने बीमाधारक को देते हैं जो सरेंडर के ऊपर आधारित होगा, तो उसके ऊपर हम आपको एक इंसेंटिव भी देंगे, साथ में और बहुत सारे बेनिफिट हम आपको देने वाले हैं। तो क्या लेना चाहते हैं? तो दोस्तों 100 में से 100 एडवाइजर का एम था कि ये उनके जीवन में सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने का टूल है, ऑप्शन है, जिसके बारे में मैं आपके साथ में आज चर्चा करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम आप तक परिचय हो गया, मैं मूल रूप से LIC से अपना करियर से शुरुआत किया था एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, और आज जो कंपनी टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, मैं इसका फाउंडर हूं और डायरेक्टर भी हूं। दोस्तों हमारी कंपनी वित्तीय क्षेत्र में एक उत्कृष्ट सेवा प्रदान करती है, म्यूचुअल फंड की ब्रोकिंग की कारोबार प्रमुख रूप से करती है, जो कि पूरे भारतवर्ष में B2B और B2C मॉडल पर काम करती है। दोस्तों टीस ग्रुप TIIS ग्रुप के नाम पे हमारा मोबाइल ऐप है, जो भारत में अपने तरह का बहुत ही यूनिक मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके आप इसका एक्सेस ले सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज नहीं है, और ये मोबाइल ऐप आपको बताएगा कि किस तरह से आप एक उत्कृष्ट एडवाइजर का रोल अदा कर सकते हैं अपने ग्राहक दीर्घा में, अपने मित्र में, अपने बंधु में, अपने सखा में और अपने सहयोगियों के साथ। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में इनफ है, जहां पे आप अपने ग्राहक को बता सकते हैं कि एक साल के हिसाब से कौन सा फंड अच्छा है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए आपको किस फंड्स में एक्सपोजर लेना चाहिए और किस फंड का रिटर्न क्या है, किस फंड्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, और दोनों तरह के रिटर्न बताते हैं दोस्तों, SIP के ऊपर भी बताते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बताते हैं। इसके अलावा हमने और अपने रिसर्च के आधार पे किस किस फंड्स में आपको और आपके इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन दिया है, ये भी हम उस मोबाइल ऐप में बताते हैं। तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि ये मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड करिएगा, और अगर मोबाइल में कोई भी विशेषता है तो आप उसको 5-star रेटिंग जरूर दीजिएगा। अगर कोई कमी है तो जरूर हमारे टीम को हमसे संपर्क करके आप अपनी शिकायत या असुविधा दर्ज कराइएगा। आप विश्वास करिए कि आपकी असुविधा को हम लोग नेक्स्ट वर्किंग डे में जरूर जरूर दूर कर लेंगे। दोस्तों अब आते हैं अपने मूल सब्जेक्ट पे। मित्रों इस तरह के टूल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में ये माना जाता है कि अगर आपने 100 लोगों की पॉलिसी की, 100 व्यक्तियों की पॉलिसी की, नंबर ऑफ पॉलिसी 100 करी, तो आगे आने वाले 3 साल के अंदर अंदर 25% पॉलिसी आपकी बंद हो जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, डाटा को ध्यान में समझिएगा, 25%। ये मैं किसी एक एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पेन इंडिया डाटा बता रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में जो LIC के पास में जो डाटा है मैं वो बता रहा हूँ कि 25% पॉलिसियाँ लेस देन 3 ईयर्स के अंदर लैप्स हो जाती है, जो सरेंडर वैल्यू एक्वायर नहीं करती है, पैडे वैल्यू एक्वायर नहीं करी होती है। यानी कि सरेंडर वैल्यू और पैडे वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिसी को अगर बंद कराएंगे तो कोई भी 1 रुपया भी आपको मिलने वाला नहीं है। इस आधार पे 25% पॉलिसियां आपकी खराब हो जाती है, बाकी का 25% पॉलिसी आगे आने वाले 3 सालों में, यानी कि जैसे ही पॉलिसी की DOC है और आगे आने वाले 6 साल पूरा होते होते 25% पॉलिसी या तो लोन के अंदर में आ जाती है, सरेंडर हो जाती है, फोरक्लोज हो जाती है या लैप्स कर दी जाती है। तो आगे आने वाले 6 सालों में आपका 50% पॉलिसी आपके नाम से कट चुका है, जिसका आपको कोई भी इनकम आने वाला नहीं है। बाकी का जो 50% पॉलिसी बचा, सिर्फ 25% पॉलिसियां ही अपने मेच्योरिटी तक चलती है। दोस्तों मेरा भी 25 साल का अनुभव है, आप विश्वास मानिए जो डाटा LIC का है लगभग वही डाटा मेरा भी है। लगभग 25% पॉलिसियां ही 100% मेच्योर होती है, नहीं तो बाकी का जो 25% 3 साल से पहले आपकी लैप्स हो गई, 25% आगे आने वाले 3 सालों में लैप्स, सरेंडर, फोरक्लोज जो भी होना है वो करके आपके हाथ से हट जाएगा, आपके कोर्ट से पॉलिसी हट जाएगी, बाकी का 25% आपकी पॉलिसी इनफोर्स रहेगी, चलती रहेगी, हमेशा बनता रहेगा, और बाकी का 25% पॉलिसियां
या तो वो बैंक को गारंटी में चली जाएगी, बैंक के लोन में चली जाएगी, कहीं कोलेटरल दे दिया गया हैगा, किसी को जमानत दे दिया गया है, किसी को बैंक में गिरवी रख करके उसके ऊपर लोन ले लिया गया है, इस तरह की अनेकों अनेक बात आ करके, या ऐसा भी हो सकता है कि आगे जो 25% पॉलिसी जो बची हुई है वो आगे चल करके 2-3-4 सालों के बाद में पेमेंट करना बंद कर दिया या सरेंडर हो गया, इस तरह की चीज़ें आगे आने वाले समय में होने वाली है। दोस्तों, जो पॉलिसी लेप्स हो गई उसको लेप्स को रिवाइवल कराने के लिए LIC समय समय पे अलग अलग स्कीम लाती है, स्पेशल रिवाइवल कंपेनियन, जिसके अंदर आप अपनी लेप्स हुई पॉलिसी को चालू करा सकते हैं। दोस्तों, ब्रांच में जो मैं अनुभव किया है, एक होता है लोन कम रिवाइवल, एक होता है SB कम रिवाइवल, एक होता है पार्शली रिवाइवल, यानी कि आपका DOC चेंज कर देगा, यानी कि आपकी पॉलिसी अगर 20 मार्च 2024 की है और 1-2 किस्त देकर आपने बंद कर दिया है और आप एक स्पेशल रिवाइवल के अंतर्गत में आप जाते हैं ब्रांच में, तो आपका DOC जो 2020 या 21 था उसको चेंज करके 1 साल या 2 साल बढ़ा दिया जाएगा, कि जहां के बीच की जो पॉलिसी का जो डिफरेंस है वो आपको नहीं देना पड़ेगा और आपकी पॉलिसी के ऊपर जो एज के हिसाब से जो प्रीमियम बढ़ा रहेगा वो आपसे ले लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुभव है, मैं अपने 25 साल के इंश्योरेंस करियर में एक भी पॉलिसी अपने ब्रांच से DOC चेंज करा करके रिवाइवल नहीं करवा पाया हूँ, चाहे ये मेरी कमी समझ लें या हमारे ब्रांच के अधिकारियों की महानता को आप गुणगान करें, चाहे जो भी रहा हो, नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन बचता है दोस्तों, कि आप अपने कस्टमर की पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए तैयार हो और सरेंडर करा करके उस पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू आप कस्टमर को दें और कस्टमर से रिलेशन मेंटेन कर रखें। दोस्तों, मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि अगर किसी कस्टमर ने टेबल नंबर 915 जो टेबल 25 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म ली गई थी, अगर 8 साल के बाद सरेंडर के लिए आती है तो पॉलिसी होल्डर को जमा अमाउंट का लगभग 80-90% ही पैसा सरेंडर मिलना है। अगर आपने सरेंडर करा करके खुशी खुशी भी पॉलिसी होल्डर को पेमेंट कर दिया, मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं वो ग्राहक जिंदगी भर आपको गुनाहगार मानेगा, आपको दोषी मानेगा और आपको ये मान करके चलेगा कि आपने उसका पॉलिसी करके उसके साथ में अत्याचार किया था, दुराचार किया था, दुर्व्यवहार किया था और आपको वो जिंदगी भर के लिए अपना एक दुश्मन या जानी दुश्मन बना के रखेगा, कम से कम मित्र तो आपको नहीं रहने देगा अपने जीवन में। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसे ग्राहक आएंगे जिनको आप लोन दे करके उनको संतुष्ट कर पाएंगे। मित्रों, जिनको आपने लोन दे दिया, देखिए क्या है, जिनको आपने लोन दे दिया वो ग्राहक क्या करने वाला है, LIC का एक्चुअल डाटा है 62% बीमा धारक लोन लेने के बाद पॉलिसी को नहीं भरते हैं, 62%, और क्या करते हैं, या तो पॉलिसी को कंटिन्यू चलाते हैं, पॉलिसी का किस्त भरते रहे, मैच्योरिटी के ऊपर उनका लोन और इंटरेस्ट इतना बन गया कि उनका मैच्योरिटी आने वाला कुछ भी नहीं है। दूसरा तरीका बनता है कि उन्होंने लोन ले लिया, क्योंकि जब हमारे ब्रांच में हमारे बीमा धारक या हमारे अभिकर्ता मित्र जाते हैं तो वहाँ जो मैडम और सर बैठे होती हैं या होते हैं वो मुख्य रूप से एक रटी रटाई डायलॉग मारती हैं कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर मत कराइए, पॉलिसी बहुत अच्छी है, पॉलिसी के ऊपर बहुत इतना आपका बोनस बना हुआ है, आप क्या करिए, आप इस पॉलिसी पर लोन ले लीजिए, सिर्फ 10.5% साल का इंटरेस्ट लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1,00,000 रुपया लोन लिया तो 1 साल में आपको 10,500 रुपये ही ब्याज देना है, आप ब्याज दे दीजिएगा, पॉलिसी फ्री हो जाएगा आपका। और इस उहापोह की स्थिति में मजबूर हमारा आपका ग्राहक, हम उसको लोन दिलवा देते हैं और एक दूसरा हम उसके सर पे पत्थर मार देते हैं, बीमा के रूप में भरेगा ही किस्त, दूसरा लोन का भी किस्त भरेगा और आगे आने वाले समय में शायद हमारा बीमा धारक इतना सक्षम नहीं रह पाता है कि वो बीमा भी भरे और लोन की किस्त भी भरे और लोन का इंटरेस्ट भी भरे और इस मकर जाल में फंस करके उसकी पॉलिसी फोर क्लोज हो जाती है।
फोरक्लोज का मतलब है कि ना तो वो किस्त भरा, ना वो पॉलिसी ले सकता है, ना उसकी मैच्योरिटी मिलने वाली है, ना उसका रिस्क कवर मिलने। अब आती है अंतिम उपाय कि वो सरेंडर करेगा। मित्रों, अगर बीमा धारक ने सरेंडर कर दिया पॉलिसी तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है। एक बहुत बेहतरीन ऑप्शंस लेकर के आए हैं, जहां पे आप हमारे कंपनी के पार्टनर बन करके आप भारत में किसी भी ब्रांच की किसी भी पॉलिसी को आप सरेंडर कराएंगे। जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगी, वो सरेंडर वैल्यू आपको ग्राहक को विद इन 48 आवर, यानी कि 2 वर्किंग डे में, अगर सब कुछ सुचारू रूप से रहा तो 2 से 3 वर्किंग डे में सारी कागजी कार्रवाई पूरी करके आपके ग्राहक के अकाउंट में पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। और उस पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू सिर्फ ग्राहक को मिला है, आपकी पॉलिसी सरेंडर नहीं हुई है, आपकी पॉलिसी इनफोर्स रहेगी और उस पॉलिसी के ऊपर आपको रिन्यूअल कमीशन भी मिलता रहेगा। आपकी पॉलिसी लाइव भी दिखाएगी, आपका क्लब मेंबरशिप बेनिफिट भी कंटिन्यू रहेगा और आपकी पॉलिसी के ऊपर वो सारी सुविधाएं आपको मिलती रहेगी जो एज ए एडवाइजर आपने कल्पना करी थी, शुरुआत करी थी, मेहनत करी थी और उस पॉलिसी को आपने जन्म दिया था, क्योंकि आप उस पॉलिसी के माता और पिता दोनों हैं। जब एक माता पिता का संतान खत्म होता है तो जितना दुख होता है, ठीक उसी तरह से दुख हमने और आपने अपने जीवन में एक पॉलिसी को सरेंडर कराते समय प्राप्त किया है, देखा है, झेला है, जिया है, जीना है और इस जीवन को नए ढंग से लेके चलना है। तो मित्रों, ये ब्रह्मास्त्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप हमारे टीम से संपर्क करिए, जिस भी चैट के द्वारा, जिस भी ग्रुप के द्वारा, जिस भी नंबर के द्वारा आपके पास मैसेज आया है, आप हमारे टीम के साथ में जुड़िए और जुड़ करके इस बिजनेस को करिए। और जो भी सरेंडर वैल्यू आपके ग्राहक को जाएगा, उसका 1%, यानी कि आपके ग्राहक को सरेंडर वैल्यू 10,01,180 रुपये गया तो उसका 1% माइनस TDS आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा। आपकी पॉलिसी इन्फोर्स भी रहेगी, आपकी क्लब मेंबरशिप बेनिफिट भी मिलती रहेगी, आपका बिजनेस उसी तरह से मान सम्मान बढ़ता रहेगा और एक पार्ट ग्राहक का, कुछ पार्ट रिस्क कवर भी कंटिन्यू करता रहेगा। यानी कि ग्राहक की पॉलिसी सरेंडर नहीं हुई लेकिन ग्राहक ने सरेंडर वैल्यू ले लिया, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको फंडिंग दे रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको पैसे दे रही है सरेंडर वैल्यू का, वो अपने नाम पे उस पॉलिसी को ले लेगी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिसी असाइन कराना, पॉलिसी हस्तांतरण कराना। और जो ऑर्गेनाइजेशन ले रही है वो एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। LIC का पूर्ण रूप से काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है और बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। तो आप टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट बने और इस राष्ट्र हित में आप भी अपने ग्राहकों को पॉलिसी को सरेंडर ना होने दें और सरेंडर अमाउंट के ऊपर भी 1% कमीशन प्राप्त करें। आप अपने बिजनेस पे, आप अपने परिवार को जीविकोपार्जन पे, आप अपने करियर के ग्रोथ पे ध्यान दें। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में जुड़ करके म्यूचुअल फंड की पार्टनरशिप भी ले सकते हैं, जहां पे आप खुद भी काम कर सकते हैं और आप अपना टीम बना के भी काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इस सरेंडर वैल्यू वाला प्रोजेक्ट पे भी आप टीम बना के भी काम कर सकते हैं और आप एज ए इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके साथ साथ में हैं। इसके अलावा हमारे ग्रुप का एक पोर्टल है जिसका नाम है hospitalwala.com। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भारत में 2000 से ज़्यादा हॉस्पिटल के लिए मार्केटिंग सर्विसेज का काम करती है। तो आप भारत में कहीं भी हैं, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पार्टनर बनके सिर्फ एक ही कोड लेना होगा और उसी कोड पे आप LIC का ये सरेंडर वाला भी काम कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड का भी काम कर पाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर पाएंगे, मोटर इंश्योरेंस का काम कर पाएंगे, फिक्स डिपॉजिट का काम कर पाएंगे, इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम का काम कर पाएंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का काम कर पाएंगे जिसको PMS बोलते हैं। इसके अलावा आप hospitalwala.com का भी काम कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की 2 अपनी ऑफिस है। पहला ऑफिस नागलोई दिल्ली में है और दूसरा ऑफिस
मियावाली नगर पश्चिम बिहार में है और तीसरा ऑफिस आगे आने वाले वर्षों में 2025 के लास्ट या 2026 तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी आ जाएगा। वहाँ पे भी आप सभी मित्रों को आमंत्रित करेंगे। जो मित्र हमसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, हमारे ऑफिस में आना चाहते हैं, ऑफिस देखना चाहते हैं, हमारे सारे मैनेजर लोग और स्टाफ लोगों से मिलना चाहते हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आप कभी भी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं, आप निसंकोच आ सकते हैं, आप बगैर सूचना का आ सकते हैं। अगर आप हमसे मिलने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपसे प्रार्थना रहेगी कि एक बार बात कर लें हमारे टीम से, अगर मैं उपलब्ध हूँ तो ज़रूर मैं आपका दर्शन करने के लिए उत्साहित रहूँगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।